नेगेटिवली अगर हम प्रभावित हो जाते हैं तो हम मानसिक रूप से गरीब हैं, और ये जो हमारे ये हमारे जिंदगी के जो गैप्स हैं इनको हमें फिल करना है, तो हमें अपने आप पर काम करना है, ना कि हमें औरों से अपेक्षा रखनी है कि वो सुधर जाए और उसकी वजह से मैं खुश रहूँगा या उसकी वजह से मैं दुखी होऊंगा। ये एक और ये हुआ जा सकता है। यस, ये डेफिनेटली हो सकता है और यही हो सकता है। Yes. दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। सही बात है, सही। जहाँ है वहीं अच्छी लगेगी, और जूता जरूरत भी है, अब सर पे लेके घूमेंगे तो नहीं चलेगा। नहीं नहीं रिवॉक का है। हाँ जी, बढ़िया, बोलिए बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए। कल के दिन को जितना अच्छे से निष्कर्ष ले आएंगे उतना आगे के लिए हमारी मेहनत सही दिशा में बन जाएगी। हाँ जी, पीछे माइक। मनुष्यों को हमेशा सुखी रहना पसंद है, मनुष्य कभी दुखी रहना, मनुष्य को कभी दुखी रहना पसंद नहीं है। संसार में दुख बहुत कम समय के लिए होता है और सुख ज्यादा समय के लिए होता है, ये मेरा मानना है। अच्छा, मैं गांधीनगर से हूँ। सो कल हम सेशन में ऑलरेडी थोड़े लेट थे, 10 बजे के बाद आए थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा था कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैं और मेरी वाइफ साथ में थे, तो थोड़ा बहुत आपका सेशन भी आगे हो रहा था और आपने लास्ट में बताया कि शादी क्यों करनी चाहिए और कैसे होते जीवन के आगे आगे की पढ़ाओ। तो पूरे सेशन के दौरान मेरी पत्नी मुझे पूछ कर दी थी ऐसे मार मार के कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की। तो अभी तक मुझे उसका आंसर नहीं है। रात तक जाके मैंने उसको थोड़ा आंसर बताया कि मुझे तेरे साथ पूरे जीवन तक रहना है। तो उसने बोला कि वो तो मुझे पता है कि आपने कहीं से सुन के ये बताया, लेकिन आपके खुद के विचार नहीं अभी है, क्योंकि आज ही बने के विचार एक दिन में तो आप डेफिनेटली विचार नहीं बना पाएंगे। पता चला कहीं की तो डिसमेंटल हो गई। तो अभी भी मतलब आपका जो इस सेशन में जो विचार और विमर्श का जो जो चल रहा है, तो अभी वो विचार कंटिन्यूअसली मेरे माइंड में चल रहा है कि शादी हुई तो क्यों हुई। क्योंकि जो भी एनवायरमेंट था, मतलब हमारे एनवायरमेंट में ऐसे होता है कि 24 को शादी करो, 30 को बच्चे लाओ। अगर यही अंकेश को किसी साधु संत के पास रख दिया होता तो आज मेरी शादी नहीं हुई होती। सो थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मतलब कंफ्यूज लग गया मेरे। ये बोलो मैं कंफ्यूज था और मेरे को पता भी नहीं था। हाँ वो सही है। जीवन विद्या की जर्नी मेरी बहुत टाइम से चल रही है, पर अब तक जो सीख रहे थे, जो लाइक कर रहे थे, वो सिर्फ अपने के लिए और अपने लाइफ के लिए। पर आज जब मैं मेरे फियांसे के साथ आई हूँ, तो कल एक जो बात आपने बताई कि मैं जिस चीज़ में खुशी मिलती है, मुझे प्रमोशन मिला और सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शायद चीज़ मुझे बहुत अच्छे से क्लिक कर गई कि मेरी खुशी मेरे पास के जो भी कंक्लूजन्स है उस पर रिलेटेड है, सामने वाले इंसान की खुशी उस पर ना भी हो। सो वो बहुत बड़ी चीज़ है कि दोनों की खुशी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग हो सकती है और होती भी है, लेकिन ये एक होगी तो ही लंबा चल पाए। अक्सर ये वाला क्वेश्चन इसी एज के लोग पूछते हैं, तो जिनके साथ अभी तक जिए हैं उनके साथ जीने से कोई तृप्ति नहीं है, है ना, तो नेचुरल है किसके साथ जीना है ये भी क्वेश्चन मन में आ ही सकता है। तो आप ही बताएंगे कि आपके क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्यों पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्यों जीना है और कैसे जीना है। जब कैसे जीना खुलेगा तो फिर बाकी सारा कुछ वो सब है, सब है। किस किसके साथ जीना है, वो कैसे जीना का सब है। कैसे जीना है खुलेगा उसमें वो बिल्ड इन है, ऐसा हो गया। तो ये क्वेश्चन कैसे जीना है का पार्ट है जी। और बोलिए क्यों जीना है, द पर्पस ऑफ लाइफ, तो वही पता नहीं। नहीं वो ठीक है, अभी पता नहीं को बाद में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन,
अलग होगी, कुछ दिन तक तो ठीक लगेगा, कोई दिन के पॉइंट हमारी जर्नी अलग हो जाती है, क्योंकि खुशी ही हमारी जर्नी है। जहाँ से मेरी खुशी आ रही है वो मेरी जर्नी है, जहाँ से मान लीजिए हस्बैंड की खुशी आ रही है वो उसकी जर्नी है, और दोनों की खुशी का सोर्स ही अलग अलग है ना, और दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमारी जर्नी में भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर इतना ही होता है कि आज क्या बनाओ। तो किसी के भी बोलने से हमारी ज़िंदगी में कोई रिफ्लेक्शन हमको आ जाए, कोई ऑब्जर्वेशन हमको आ जाए, अभी हम ओरिजिनल ऑब्जर्वर नहीं हैं, जबकि आदमी की एकमात्र ताकत है कि उसमें ओरिजिनल ऑब्जर्वर होने की कैपेसिटी है, संभावना है, वो उसकी आवश्यकता है। मानव एकमात्र एंटिटी है पूरे एग्जिस्टेंस में जिसमें समझने की ताकत है, और ये ना समझना ही हमारा दुख है। तो हम समझने की ताकत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और उसके फलन में जो हो रहा है उससे सुखी दुखी हो रहे हैं, तो सुखी दुखी होना हमारा काम नहीं है। मानव सुखी दुखी होने के लिए जिस सुख दुख को अभी हम पा रहे हैं उसके लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, उसके लिए हम नहीं जी रहे। तो शायद ज़िंदगी बिल्कुल कहीं और है और हमारा रोना गाना बिल्कुल कहीं और है। दोनों अलग चीज़ है। जिंदा रहना इज मोर ऑफ मटेरियलिस्टिक, जो हम काम कर रहे हैं, और जीना जो आप अभी इनफैक्ट और डीप में जाओगे, जिसको जीना कहते हैं असली में, सुविधा भी जीना नहीं है, संवेदनशीलता भी जीना नहीं है, खाली पढ़ाई या रूप बल धन पद वो सब पा के कुछ अचीव करना भी जीना नहीं है। जो हम लोग आज तक नॉर्मली जो लोग ये शिविर नहीं करते हैं 99% तो इसी सब चीज़ों को जीना मानते हैं। सो इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट टूवर्ड्स थिंकिंग व्हाट इज रियल लाइफ। ये ऑब्जर्वेशन आती है तो जिंदगी शुरू होती है, नहीं तो शुरू ही नहीं होती। और मेरी सारी जिंदगी गिला सिकवा शिकायत में बीतती है ना, कि मटेरियल था कहीं और, तलाश कहीं और है। देखो प्यास लगती है तो पानी ही पीते हैं, मिट्टी का तेल नहीं पीते, पेट्रोल भी नहीं पीते, नारियल का पानी भी नहीं पीते, देसी गाय का घी भी नहीं पीते। 22,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, जिंदगी को छूता नहीं। ये समझ में आने लायक बात है, धीरे धीरे देखेंगे। मैं कुछ भी कहता हूँ आप उससे बिल्कुल सहमत होने की कोशिश मत कीजिए, है ना, बिल्कुल सहमत मत होजिए। आप असहमत होने के लिए अपना विचार बनाए रखिए, है ना, और यदि सच्चाई होगी तो पकड़ में आएगी। वो जो जीने वाला भाग है वो बिल्कुल अनटच्ड है, और वही हमारी ज़िंदगी का खालीपन है। तो खालीपन कहीं और है, समस्या बिल्कुल कहीं और है, हमारी शिकायत बिल्कुल कहीं और से है, उसको पूरे करने का प्रयास कहीं और से है, वो पूरी होनी नहीं है। अंतिम निष्कर्ष यही है, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया। यह हर बुजुर्ग के पास होता है, इसलिए जवान आदमी बुजुर्ग थोड़ा बच के निकल जाते हैं, उसको लगता है ये निष्कर्ष मेरे को नहीं होना। हाँ जी, और बोलिए। ये सब बोलते हुए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा खराब चीज है, ऐसा मीनिंग आप मत निकालो। पैसा हमारी जरूरत है, साधन हमारी जरूरत है ना, लेकिन दोनों की अपनी जगह है। हाँ जी, नेक्स्ट। नेगेटिवली प्रभावित नहीं होना, तो बात तो वैसे दुख फिर के वहीं पे ही आती है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि जो जैसा है उसको ऐसा एक्सेप्ट कर लो, तो अपनी तो मानसिक शांति बनी रहेगी। जो जैसा है हाँ, ऐसा कर पाओ तो हाँ कर पाओ तो, होता नहीं है लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है उसकी तैयारी आ गई। हाँ, और आपकी कल की पूरी बात का तात्पर्य ये भी निकल सकता है कि जैसे कोई इंसान जैसा है उनको हमको उनके साथ डील करनी है, मतलब सोसाइटी के साथ, उन लोगों के साथ। तो अगर आप में पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है तो आप जैसे हो वैसे बने रहो, मतलब यहाँ कोई एरोगेंट की बात नहीं है। पर अगर अप्रूवल की मेरे को जरूरत ही नहीं है, कोई भी टॉपिक है उनमें ये हॉल के लोग मेरे साथ एग्री नहीं हो रहे तो इट्स ओके, पर मैं तो जैसा हूँ वैसा बना रहूँगा, ये कोई एरोगेंट नहीं है। एरोगेंस नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जब 2+2=4 है, और बाकी आदमी 5 के बोले। हाँ, तो 5 बोले तो ठीक है भाई, अपन अपनी बात रख सकते हैं, सामने वाला नहीं मानने के लिए स्वतंत्र है ही है, लेकिन यदि अपने को शंका नहीं है तो हम प्रभावित नहीं होते हैं। हमको हाँ, पता है ये प्रूवन है, देखा हुआ। हाँ, मतलब दूसरे के अप्रूवल की हमको जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात उसका सूत्र है,
स्वमूल्यांकन है तो परमूल्यांकन नहीं, परमूल्यांकन है तो स्वमूल्यांकन नहीं। जब हम स्वमूल्यांकन कर पाने में समर्थ होते हैं, सेल्फ असेसमेंट हमको आता है, वो तभी संभव है जब हमको सेल्फ पकड़ में आया। स्वमूल्यांकन है तो परमूल्यांकन नहीं, परमूल्यांकन है तो स्वमूल्यांकन नहीं। हमारी ज़िंदगी की मुसीबत केवल इतनी ही है कि हमको स्वमूल्यांकन नहीं आता है, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को ऐसा, मैं सुनने के लिए तैयार ही रहता हूँ किसने मेरे को क्या बोला। तो दूसरों ने मेरे को क्या बोला ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद के लिए क्या बोलता हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। जब मैं खुद के लिए कुछ नहीं बोल पाता हूँ तो दूसरों के सर्टिफिकेट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि मैं स्वमूल्यांकन नहीं कर पाता। तो मुझको स्वमूल्यांकन करना आ जाए, सेल्फ असेसमेंट करना आ जाए, तो मैं दूसरों के मूल्यांकन से, दूसरों की टिप्पणियों से, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता। आपको उनका रियलाइजेशन कराने के लिए आई है, एंड द मोमेंट आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, आपकी सक्सेस या फिर एज ए ह्यूमन बींग वहीं से ही इनिशिएट हो जाती है। जिंदगी का विद्यार्थी ठीक से होने की आवश्यकता है और अंतिम सांस तक वो एग्जाम देने की जरूरत है। जितने एग्जाम को हम क्वालिफाई कर पाते हैं उतना स्वयं में एक स्वाभिमान होता है, स्वयं में एक फील आता है कि नहीं यहाँ तक तो मामला ठोस है, और उसकी खुशी आपके साथ बनी ही रहती है, और जो गैप्स हैं उसको हम पहचानते रहते हैं, उसको ठीक करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक बार सही अर्थों में हम विद्यार्थी हो जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, चार क्वेश्चन नहीं आते तो रोना गाना थोड़ा शुरू करते हैं, जो पहले आते हैं उनको अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, और बाद में जो नहीं आते हैं उसमें भी क्या कर सकते हैं उसको करना शुरू करते हैं। तो मेरे को लगता है कि ज़िंदगी को हमने उतनी गंभीरता से नहीं लिया है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है शायद, उसको और ज़्यादा समझने। तो इसका मतलब है मेरा सम्मान और मेरी पहचान का आधार कुछ और होगा, जबकि मेरे सम्मान और पहचान का आधार किधर होगा, किधर जाएगा, वो जिंदा रहने की तरफ जाएगा कि जीने की तरफ जाएगा, जीने की तरफ। सम्मान और पहचान क्या है, भाव है कि वस्तु है, भाव, भाव है। भाव किधर है, जीने में है कि जिंदा रहने में है, जीने में है। ढूंढ किधर रहे हैं, जिंदा रहने में। हो गया काम, कितने हजार साल बाद, 3 लाख साल बाद। 3 लाख साल बाद हमको सम्मान समझ में नहीं आ रहा है, आत्मा परमात्मा की बात करते हजारों साल हो गए। परिवर्तन से जीवन है हमारा, हम समझते हमने जी लिया, पर सबके साथ कदम नहीं मिला सकती थी, मन में बहुत विधा रहती थी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ क्या नहीं करूँ। मैं बड़ी भाई बहन है, ससुराल में भी बड़ी हूँ, वो किया नहीं, मैंने इतना किया, इसने कुछ कर दिया नहीं किया, मैं किसी को समझ नहीं सकती थी। प्यार बता को मूल मेरा फूल जमा, 2 दिन दिमाग सही नहीं रहता था। आज मैंने सोचा कि आप बोलते हो कि 2 गज दूरी रखो और हृदय कोमल रखो, बजा से मिलजुल के आज कदम ताल गिरा के मैं रहूँ, अरे प्रतिष्ठा पैसा सब रहता नहीं है, परिवार भी कल नहीं रहेगा, तो मैं भी नहीं रहूँ, सबको प्यार से बंटवारा करके समझू समाज को कैसे चलना है सबके साथ मिलके, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन परिवर्तन से तो है नहीं, तो मैंने भी देख लिया कल अपने क्या मैंने। हाँ, जो परिवर्तनशील है वो कल देखा है, पर जो परिवर्तनशील नहीं है वो आज देखेंगे। संज्ञानशीलता के पहले ये अनिवार्य है कि संवेदनशीलता आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी, डायरेक्ट जंप नहीं है। संवेदनहीन व्यक्ति डायरेक्टली संज्ञानशील हो जाए ऐसा संभव नहीं। जी सर, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एक आदमी वैसा देखा है कि वो संवेदनशील बिल्कुल नहीं है किसी के प्रति, लेकिन वो अपनी जिंदगी इतने बढ़िया से जीता है, इतने दूसरे के निष्कर्ष मत निकालो और अभी जिंदगी आने दो सामने, क्योंकि दूसरा जो हमको बाहर से दिखाई देता है उसके अंदर क्या चलता है वो हमको पता नहीं चलता। बरोबर बरोबर, और हम किससे प्रभावित होने के बाद फिर देख भी नहीं पाते। ओके, जाने दें, थैंक यू। जो डिफरेंस है वो बहुत बहुत थिन लाइन है, ये जो संवेदनशीलता है वो जो अपने समझते हैं वो एक दिमाग में बैठा है कि अपने किसी को देखने का नजरिया बहुत जरूरी है, उसको क्या लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, पर्पस, और वो जो लाइफ का पर्पस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कल जो हमने सीखा कि पर्पस लाइफ का क्या है वो अपने को अपना ही कुछ पता है। कम ज़्यादा फाइनली एक्सीडेंट में जाके बदल गई, किसी का योग संयोग से ठीक चल जाए, दोनों संवेदनशील हैं, निभ जाए अलग बात है, लेकिन घर के भीतर की कहानी बिल्कुल अलग है और जो बाहर दिख रही है वो कहानी बिल्कुल अलग है।
और ये नेचुरल है, होगा ही, है ना, उधर ही लैंड करेगी, क्योंकि एड्रेस ही पूरा गलत है। कल जो हमने चर्चा शुरू किया था कि यदि जिंदगी का एड्रेस ही गलत है तो कितने साल कितने घंटे रोज मेहनत करेंगे कि जिंदगी मंजिल को पा जाए, है ना। तो एक बार ये ठीक से लोकेट करने की जरूरत है, ठीक से पहचानने की जरूरत है कि यह वाकई में जो मैं मान के चल रहा हूँ वो एक सही एड्रेस है या एड्रेस ही गलत है या इनकम्प्लीट है। ये अच्छी बात कल हुई कि जितना भी नेगेटिव इमोशन है वो बेसिकली किसी इमोशन के ना होने की सूचना है। जैसे क्रोध क्या है, द्वेष क्या है, स्नेह का अभाव है। तो क्रोध अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, क्रोध अपने आप में कोई वास्तविकता भी नहीं है। जितना भी नेगेटिव इमोशन है वो अपने आप में कोई वास्तविकता नहीं है। तो ये धीरे से इसको देखेंगे और हम उसी को लिए जूझ रहे हैं, उसी से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी जी बोलिए। हमें एक बात और, जैसे परिवार में किसी को कोई भी अवार्ड या कुछ भी ऐसा मिलता तो मुझे इतना खुशी नहीं कभी मैंने महसूस की, क्योंकि इसका शायद अभी मुझे इसका उत्तर मिला कि बिना मूल्य के जब कोई संबंध होता है तो उसके साथ में वो खुशी भी नहीं होती है। बिना मूल्य, अगर संबंध में मूल्य नहीं है हाँ। तो उस संबंध से भौतिक जो भी क्या कहना चाहिए भौतिक उपलब्धि, कोई भी भौतिक उपलब्धि को महसूस नहीं कर सकते हैं। और जिस संबंध में कोई मूल्य होता है उसकी भौतिक उपलब्धि को भी बहुत खुशी होती है अंदर से। जैसे मेरी दीदी है तो उनसे बचपन से ही मैंने देखा है कि काफ़ी उनके साथ मेरा बहुत अच्छा मतलब सम्मान कर पाती हूँ उनका मैं बहुत। तो उनको जब बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई थी जी। मूल्य ही संबंध है और कोई संबंध व्यक्ति नहीं है, संबंध शरीर नहीं है, दोनों के बीच में कोई भाव है उसी को संबंध बोल रहे हैं। चलिए और कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। तो फिर हाँ, माइक आ गया। तो कभी कभार बच्चों पे या किसी पे क्रोध उस वजह से आता है ताकि ज्यादा स्नेह है कि कोई चीज अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कोई ये करना जरूरी है क्योंकि उनका केयर ज्यादा है। जैसे हस्बैंड है तो वो अपनी केयर नहीं करते हैं तब क्रोध आता है क्योंकि ज्यादा प्यार है, ज्यादा स्नेह है। हाँ। ये चीज खुद क्रोध के पक्ष, ज्यादा स्नेह नहीं है, ज्यादा स्नेह की अपेक्षा है हमारे। हाँ, हमारे अंदर हम ज्यादा प्यार से रहें, बहुत अच्छे से रहें, ऐसी अपेक्षा है। वो अपेक्षा जब जब टूटती हुई दिखाई देती है तो उसकी प्रतिक्रिया किसी क्रोध के रूप में होती है। जब जब उस परिस्थिति को, क्रोध की परिभाषा है अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। किसी परिस्थिति विशेष को हैंडल ना कर पाने से जो मेरे भीतर असफलता की स्थिति बनती है वो मेरे को स्वीकार नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया क्रोध है। अपने भीतर असफलता को ना स्वीकार पाए, किसी परिस्थिति को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा, चीज़ें मुट्ठी से निकल रही हैं, तो या तो चिल्लाना शुरू करूंगा या अंदर पीना शुरू करूंगा। सामने वाले पे निर्भर करता है, यदि उसके सामने बोला जा सकता तो बोल देते हैं, कोई कोई ऐसा होता है जिसके सामने नहीं बोला जा सकता तो उसको पी लेते हैं, पी लें तो भी गुस्सा है, बोल दें तो भी गुस्सा है। या तो हम बात करना बंद करेंगे या हम चिल्लाना शुरू करेंगे, दोनों एक ही बात है। चिल्ला के दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, अपन थोड़ा हल्के हो जाते हैं, खुद पी लेते हैं तो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। वो चीज का समाधान है मेरे अंदर कि मैंने जो जीवन जिया आज तक वो एक पर्पस से थी और जिस पर्पस से मैं दौड़ रहा था वो मेरे अंदर संतुष्टि है। तो मेरा आखिरी पल मेरे शरीर का आखिरी पल है पर वो मेरे सुख का आखिरी पल नहीं है। क्या यह बात सच है? जरूरत है कि जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है सब उससे अलग हटके कहा जा रहा है। अभी तक हम कह रहे हैं कि युद्ध हमारी वीरता है, यहाँ ये कह रहे हैं कि युद्ध हमारी अयोग्यता है, युद्ध हमारी मजबूरी है,
हमको जीना नहीं आता इसलिए युद्ध करना पड़ता है। दो भाई के बीच में AK-47 की जरूरत कब पड़ती है? जब दोनों को जीना नहीं आता। प्यार से जिएंगे तो काहे के लिए युद्ध की जरूरत पड़ेगी? तो युद्ध हमारी अयोग्यता है, युद्ध हमारी अंतिम मजबूरी है, युद्ध हमारी अंतिम असफलता है। जीना आएगा तो पानी संसार में बहुत है, भूख नहाओ, भूख पियो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक ग्राउंड को समझना होगा, तब उसके बाद हम चीज़ों को बिल्डअप करेंगे। ये बात ठीक है कि मैं सभी समस्याओं के समाधान के साथ होना चाहता हूँ कि नहीं? अस्तित्व में जो कुछ हो रहा है किसी नियम से है कि नहीं? तो देखिए सारी कहानी कितनी है, सारी कहानी केवल दो लाइन की है। ये पूरा अस्तित्व किसी नियम से है और मुझ में समझने की अनलिमिटेड ताकत है। दोनों का मिलान हो जाने का नाम जिंदगी है। सिंपल है, इसमें कहीं हस्बैंड और वाइफ बीच में है नहीं। जो मेरे बीच में है वो मेरे ध्यान में नहीं है, और जो है ना तमाम रिश्ते बाद में है। पहले मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, पहले मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, वो मुझको समझ में आया है तो किसी दूसरे के साथ मेरा जीना हो सकता है। अभी मैं और मेरा अस्तित्व मेरी पकड़ में नहीं है और मैं किसी दूसरे के साथ जीना चाहता हूँ तो अपेक्षाओं का निर्वाह होता नहीं है। अपेक्षाएं टूटेंगी, हम दुखी होंगे। और सारा अपेक्षाओं के टूटने का इतना ही मतलब है कि पुराना कोर्स कुछ बचा हुआ है उसको पूरा करो, बार बार एग्जिस्टेंस ऐसा बोलता है। हमारी ज़िंदगी में आने वाले तमाम दुखों का इतना ही मतलब है कि कुछ पुराना कोर्स बचा हुआ है जो आपने पूरा अभी नहीं किया है, वो आपको बार बार याद दिला। तो इससे मतलब ये क्लैरिटी बनती है शायद से कि मुझे मेरे एग्जिस्टेंस का समझ आ जाता है तो मेरे पास हर पल समाधान है। यस, अगर ऐसा कुछ बना होता है कि मेरे पास कोई पल समाधान नहीं है, वह यह दर्शाता है कि मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि एग्जिस्टेंस में तो प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग हमारा शरीर, जहाँ तक हमारी एंट्री हो रही है वहाँ तक देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस संसार में जब हम पहली बार लैंड कर रहे हैं वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानव के शरीर से मानव का शरीर ही पैदा होता है, बकरी और गाय पैदा नहीं होती, वहाँ कोई गलती नहीं है। इसका मतलब है एक बच्चा भी पैदा होता है तो जिज्ञासु है, न्याय का याचक है, वहाँ तक भी कोई गलती नहीं है। उसके बाद जो हमने किया है सारी गलती उसमें है। इसका मतलब है कि नेचर को जैसा जैसा है वैसा हमने नहीं समझा है। मानव का जो होने का पर्पज़ है वैसा हमने नहीं समझा है। हमने जिंदा रहने को जीना मान लिया है, पैसे को सब कुछ मान लिया है, पद को सब कुछ मान लिया है, सुंदर दिखने को सब कुछ मान लिया है, इतना ही। तो वैसे ही पैसा सबको चाहिए तो पैसा नेचुरल नहीं है? पैसा नेचुरल है, नेचुरल है। लेकिन रिबोक का जूता पैर में रहेगा, जूता पैर में ठीक लगता है, तो पैसे की जगह जहाँ है वहीं ठीक लगता है। और ये समझना है कि जूता पैर में अच्छा लगता है, बस इतना ही काम। तो पैसा हमारी जरूरत है, उसके बिना नहीं चलेगा। पैसा मतलब साधन। शरीर जिंदा रहेगा तो रोटी कपड़ा मकान से ही जिंदा रहेगा, वो भाव से जिंदा नहीं रहेगा। जीना जिसको हम भाव मान लीजिए कह रहे हैं तो शरीर उससे जिंदा नहीं रहेगा। आप घर में गए, पत्नी को बोला खाना ले आओ, बोले तुमको बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो दोनों अलग अलग जरूरतें हैं। भाव की जरूरत पैसे से पूरी नहीं हो सकती है, पैसे की जरूरत भाव से पूरी नहीं हो रही, इतना ही समझना है बस। इतना ही लोचा, कितना सिंपल सा काम है जिसमें कितना जूझ रहे हो। हाँ जी, तो अक्षमता का प्रदर्शन है तो ही क्रोध है। तो अगर कोई माँ है वो अपने बच्चे पे थोड़ा क्रोध करती है कि उसके अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा करे तो तुमको कैसा लगता है? ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे को एक बार ना बोला, दो बार ना बोला, फिर भी इसका इतना ही मतलब है आपको बोलना नहीं आता, इसमें क्या करना है? ओके, माँ होने से क्या हो जाता है? अभी हम बायोलॉजिकली माँ हैं कि सही अर्थों में माँ? अभी हमने केवल अपने बच्चों को जन्म दिया है, हम बायोलॉजिकल माँ हैं, अभी माँ होना शेष है। मानव नहीं हुए माँ कहाँ से हो जाए? एग्जाम्पल सेट करके कितने प्रतिशत लोग जिंदा रहने को जीना मान के जी रहे? 90. कितने प्रतिशत लोग? 90. ये आकार से मानव है कि आचरण से मानव? आकार से। आचरण से मानव होना शेष है। तो अभी हम ना माँ है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना भाई है, ना बहन है, ना
है ना, कुछ भी नहीं है, काम चल रहा है बस, और बीच में रोना गाना हो ही रहा है। अपनों से दुख पाया कि परायों से पाया, अपने आप से जम के पाया, कहाँ कोई माँ हुआ नहीं, तो जन्म दिया है, और जन्म देने में आपका कोई योगदान है नहीं, वो नेचर का है। आप तो पहले से सब जी रहे होते हो, तो पहले दिन बताना पड़ता है कि जिसको आप कर रहे हो ये जिंदा रहना है, और अगले दिन सुबह तक ही हो जाता है कि हाँ नहीं जी रहे हैं, अच्छा बताओ फिर क्या करना है, तो फिर बताते हैं, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने IIT किया, IIM किया, IAS हो गए, मंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी के सामने सब छोटा पड़ जाता है। जिंदगी वो कुआ है जिसमें कोई भी उपलब्धि डालो, डालने के बाद कहता है व्हाट नेक्स्ट, खत्म। जब तक कोई चीज नहीं पाई नहीं पाई, लगता है कोई बहुत बड़ी चीज होगी, पाने के बाद शून्य। तो इतनी ही बात समझनी है कि जिंदा रहना जीना दो अलग अलग दुनिया है, दोनों के नियम अलग हैं, दोनों को पाने का तरीका अलग है, एक की आवश्यकता दूसरे से पूरी नहीं होती। सारी दुनिया में सारी लड़ाइयाँ मेरे खुद के भीतर की और मेरे परिवार की, चाहे सास से हो चाहे पति से हो, दुनिया भर से जितनी भी रुसवाई है वो केवल इस बात की है कि मुझको जीना नहीं आता है। प्रॉब्लम मेरी है, मुझको जीना नहीं आता है, तो मेरे को पति खराब दिखाई देता है, कोई सास खराब देती है, कोई कंपनी खराब देती है, कोई देश खराब देता है, और दूसरे की भी इतनी प्रॉब्लम है कि उसको भी जीना नहीं आता, क्योंकि ये हमारी एजुकेशन का हिस्सा नहीं है, ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है, ये हमारे अध्यात्म का हिस्सा नहीं है, ये हमारे कहीं का हिस्सा नहीं। तो एक नया अनुसंधान है जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि अच्छा ये गैप था, इसको हम बाई एजुकेशन एड्रेस कर सकते हैं, जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री हम क्लासरूम में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस क्लासरूम में पढ़ते हैं, ऐसे जिंदगी को क्लासरूम में पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक नई चीज। चलो आगे चले, चलिए बोर्ड साफ, सब साफ। तो निष्कर्ष क्या निकला, जिंदा रहना जीना नहीं है, सुविधा होने का मतलब जीना नहीं है, संवेदनशीलता का मतलब जीना नहीं है, PhD होने का मतलब जीना नहीं है, आपके विश्व सुंदरी होने का मतलब जीना नहीं है, पद का मतलब जीना नहीं है। जैसे मैं किसी पहले किसी का फॉलोअर हूँ, हाँ सपोज ब्रह्म कुमारी से मैं फॉलोअर, हाँ हाँ, तो मेरे दिमाग में जैसे शिवानी बहन के लेक्चर चलते रहते हैं, तो उससे मेरे को डिस्टरबेंस होगा, एकदम कंप्लीट डिस्टरबेंस होगा। इसलिए मैंने कल भी कहा है, फिर से एक बार कह देता हूँ, है ना, इसको सुनने का तरीका आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए ये एक ऐसा तरीका है, पहले मैं आपके साथ क्या क्या नहीं करूँगा उसको बता दें, किसी भी तरह का उपदेश ही नहीं दूंगा, ये करो ना करो ऐसी किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। वैसे शिविर नॉर्मली 8 दिन का होता है, तो एक बार भी मैं चाहिए शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। ये जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है इतना आप घर में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हाँ जी बड़ा करो उसको, इतना यदि आप घर में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, ठीक हो गया, तो इसलिए सब कैंसिल हो गया। तो इससे ये पता चला कि एक बार नए सिरे से सोचने की जरूरत है, तो जो भी कुछ यहाँ कहा जा रहा है उसको मानने की आवश्यकता नहीं है, तो मानने की आवश्यकता नहीं है, मानना नहीं है, क्योंकि मानने से हम फॉलोअर बनते हैं, इसलिए चीज़ों को जानना जरूरी है, जानने के लिए उसको जांचना जरूरी है, जांचने का मतलब है उसके आधार क्या होंगे, कि जो कुछ भी कहा जा रहा है पूरी नेचर को देखें तो वो एक यूनिवर्सल नेचर, अपने आप में यूनिवर्सल है, नेचर यूनिवर्सल है तो उसको लॉजिकली समझा जा सकता है, लॉजिकली समझा जा सकता है तो उसको समझ सकते हैं, तो अंडरस्टैंडेबल है और वो प्रैक्टिसेबल है।
प्रैक्टिसेबल है, एक ही प्रैक्टिस करेगा कि सभी के लिए है, रेप्लिकेबल है, हैंस वेरीफाइबल है। इन ग्राउंड्स पे हम चीज़ों को जांच सकते हैं। आगे थोड़ा बड़ा कर लेगा। जब हम साइंस के धरातल पे बात करते हैं तो उसके बात करने का तरीका ही यही है। देखो अभी तक जिंदगी को हम क्लासरूम में क्यों नहीं ला पाए, जिंदगी को क्लासरूम में ना ला पाने का एक ही मतलब है कि एजुकेशन का प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है। वहाँ मैं मेरी आस्थाओं को नहीं पढ़ा सकता, है ना, आपको ऐसा करना चाहिए। तो एजुकेशन में चाहिए की भाषा नहीं है, एजुकेशन में है की भाषा है। तो इसका मतलब है कि यदि हम जिंदगी को क्लासरूम में लेके आएंगे तो किसी इज़्म से लाना पड़ेगा, किसी हिंदू से लाना पड़ेगा, मुस्लिम से लाना पड़ेगा, जैन से, ईसाई। तो जितने भी हम धर्म अभी तक प्रचलित हैं उन सभी धर्मों में जो कुछ भी हमको कहना होगा, फिर एक वाला कहेगा कि फिर हमारे वाला क्यों नहीं चलेगा, एक क्लास में तो सभी धर्मों के बच्चे बैठे हैं। इसलिए ये माना गया कि ये धर्म, ये मानव के बारे में कोई बात करना है तो ये एजुकेशन की बात नहीं है, ये किसी धर्म और किसी बाबा और किसी अध्यात्म की बात है। एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो वही बात हो सकती है जो यूनिवर्सल हो, लॉजिकल हो। इसलिए अभी तक हम एजुकेशन में मानव के बारे में कोई बात नहीं कर पाते। इसलिए गौ से गधा पढ़ाना यूनिवर्सल है, गधा यूनिवर्सल होता है, और गाय से गणेश पढ़ाना सांप्रदायिक है। ठीक हो गया। तो ये एक अनुसंधान है जिसमें ये संभव हो पाया कि बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी चिन्ह प्रतीक के, शुद्ध रूप से जिस तरह से हम एटम और मॉलिक्यूल पढ़ते हैं, सेल और इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उसी तरह से जिंदगी को भी। साइंस में हम कोई चीज़ को वेरीफाई कैसे मानते हैं, साइंस में कोई चीज़ के वेरिफिकेशन का आधार ये है कि उसको लैब में प्रयोग करके बार बार सेम रिजल्ट आता है तो हम ये बोलते हैं कि ये वेरीफाइड है। तो ये मानव के लिए लैब क्या होगा, मानव को विश्वास और सम्मान को कौन सी लैब में लेके आएंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट में लेके आएंगे, कि दो लोगों के बीच में विश्वास है कि नहीं है, इसको कैसे जांचेंगे। तो इसका मतलब है कि मानव के बारे में जो लेबोरेटरी है, इसलिए बोला कि मानव की जब बात करेंगे उसके बारे में बोलेंगे, ये समझना समझना स्वयं में होता है और जीना परिवार में होता है। समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार होता है। तो परिवार मानवीय संबंधों की, मानवीय समझ की लेबोरेटरी है। तो एक परिवार में यदि रिलेशन बेहतर होते हैं तो हमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो परिवार मानवीय संबंधों की प्रयोगशाला है, एक मानव समझने की प्रयोगशाला है, परिवार उसके समझने के प्रमाण की प्रयोगशाला है। तो समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है, और समझने के लिए हमारे पास जो साधन है कि मेरे पास समझने का टूल क्या है। तो मानव के पास समझने के दो साधन हैं, धरती के सभी मानव के पास में कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ वर्क एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, ये दोनों मानव के पास है। और समझने के लिए पूरा अस्तित्व मौजूद है, समझने के लिए पूरा अस्तित्व है जो कि किसी नियम से है, मानव का शरीर भी उसका पार्ट है। तो कल्पनाशीलता से उस अस्तित्व को पहचान लेने का नाम शिक्षण, इसका नाम ज्ञान है ना। दो चीजें ध्रुव हैं। क्या ध्रुव है? एक तरफ मानव में कल्पनाशीलता है, दूसरी तरफ ये एग्जिस्टेंस समझने के लिए आमंत्रण है कि आओ समझो। तो इसका ये भी समझ में आया, अब देखो ये भी ध्यान जाता है कि 300,000 साल से जब भी मानव इस धरती पे है, ये नियम जो है ये उसके पहले से ही होगा कि नियम उसके बाद बना होगा? नियम तो पहले से ही है, तो नियम तो अस्तित्व में रहता ही है। नियम कोई महापुरुष बनाता है, कोई साइंटिस्ट बनाता है, कोई देवी देवता बनाता है? तो नियम तो अस्तित्व में है ही। अब ये भी समझ में आया कि जितने ठप्पे हमने लगाए हैं
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, इसका भी इतना ही मतलब है कि तमाम महापुरुषों ने किसी भी कालखंड में धरती पे किसी भी महापुरुष ने इन्हीं नियम को पहचानने की कोशिश की है और अपने अपने तरीके से कोई भाषा दिया है। लेकिन भाषा में अंतर हो सकता है कि नियम में अंतर हो सकता है? भाषा में ही अंतर होगा, है ना। तो इसका मतलब है हमारे देखने में अंतर हो सकता है कि हमने अधूरा देखा कि पूरा देखा, हमारे बोलने में अंतर हो सकता है कि अधूरा बोल पाए कि पूरा बोल पाए, हमारे लिखने में अंतर हो सकता है, लेकिन वो जो नियम है वो तो शाश्वत है, वो तो हमेशा सबके लिए एक ही जैसा है। तो इससे ये भी समझ में, और मानव में समझने की ताकत है, और मानव में समझने की ताकत सभी के पास समान है। धरती का कोई भी मानव कहीं भी हो तो खुश होता है तो खुशी दिखाई देता है, धरती में मानव कहीं भी हो उदास हो तो उदास ही दिखाई देता है। तो मानव में कोई अंतर नहीं है, है ना। मेरा नाम सोम है, किसी दूसरे परिवार में पैदा होता तो टॉम हो जाता, कहीं और पैदा होता तो ओम हो जाता, है ना भाई। अभी आजकल हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं, है ना, एक हॉस्पिटल में एक ही दिन में 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल ऐसे होते हैं, है ना। और वो नर्स लेके जाती है बच्चे को, साफ वाफ करके ला के देती है, ठीक है। अब पिछले दिनों को घटना घट गई और नर्स ने 3 दिन बाद आके बताया कि आपका बच्चा बदल गया, मैं गलती से आपको दे दी। वो नंबर लगाते हैं 18, 19, 20, वो टैग गलत लग गया, कुछ बेचारी सोच रही थी घर की प्रॉब्लम थी। अब 3 दिन बाद आके बताई वो बच्चा बदल गया है, अब माँ दोनों मानने को तैयार नहीं, बोले अब तो हमारा यही है। तो हॉस्पिटल में जितने पैदा हुए इनका कोई भरोसा नहीं। आप अपना मान के जी रहे हो, अच्छी बात, क्या पता बदल गया अब, है ना। अब जिसके घर में आएगा तो वही वाला नाम रखेगा, तो टॉम वाला टॉम नाम रखेगा, ओम वाला ओम रख देगा। अब वही बच्चा है, इधर चला जाता टॉम होता, उधर चला जाता ओम होता। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय ये है, किसी दुनिया की किसी भी माँ से पैदा हुआ बच्चे का पालन पोषण जिस धर्म में हो जाएगा वो वैसे ही लगने लगता है। अभी वो नहीं थी, वो ओ माय गॉड थी, कौन थी, मूछ निकालता है तो हिंदू हो जा, वो है ना, पीके थी, अच्छा है ना, तो ड्रेसिंग है। लेकिन मूल बात की क्या क्या चीज है? दुनिया के सारे मानव को विश्वास पूर्वक जीना ही ठीक लगता है, सम्मान पूर्वक जीना ही ठीक लगता है, अपने वजूद के साथ जीना ही ठीक लगता है, अपने में सफल होना ही ठीक लगता है, ये तो सब में कॉमन है। जो नेचुरल चीजें हैं वो सभी मानव में कॉमन है, आप कुछ भी बदल दीजिए उसमें से आप कुछ नहीं बदल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति किसी नियम के साथ है, मानव में समझने की क्षमता है, दोनों के मिलने का नाम ही ज्ञान है। आज तक ये प्रयास धरती पे होता ही रहा है, आगे भी होता ही रहेगा। जंगल युग से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मंजिल अभी शेष ही है और हमने अपनों से दुख पाया है और पर्याप्त मात्रा में पाया है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब आप शिवानी को सुने कि ओशो को सुने कि आप जो कुछ भी आपके मन में चलता रहे, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके भीतर कुछ चलता रहेगा तो आप सुन तो नहीं पाएंगे। तो पहले ये साधन के रूप में हमारे पास ये है, हमको समझ में आया इसका प्रमाण क्या होगा, समझने का प्रमाण क्या होगा, है ना। समझने का प्रमाण एक ही होगा कि मेरे पास जो समझ नाम की चीज आई है वो यूनिवर्सल ही होगी, वो यूनिवर्सल ही होगी, मानव के साथ उसको जीऊंगा। और वो यदि मेरे पास ठीक समझ है तो मानव के साथ जीने से उभय तृप्ति होगा, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगा, उभय तृप्ति होगा, इसका नाम न्याय है। तो मानव के साथ में जिए तो तृप्ति के में जिए, कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, ऐसा हम सभी चाहते ही हैं। नेचर के साथ में जिए, प्रकृति के साथ में जिए तो प्रकृति में संतुलन बना रहे ताकि आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे भी ठीक से जी सके और परिवार में समृद्धि हो जाए, परिवार अभाव की मानसिकता से मुक्त हो जाए। तो कुल मिला के परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए,
शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए, इससे ज्यादा एक परिवार कल्पना कर सकता है? एक परिवार अपने में इससे अधिक कोई कल्पना कर सकता है कि वो शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाए? ठीक हो गया। इससे समझ में आया कि मैं शिवानी सुनूं कि ओशो सुनूं कि राम सुनूं कि कृष्ण सुनूं कि बुद्ध सुनूं, है ना, साधना करूं कि कुछ भी करूं, फाइनली आचरण का प्रमाण क्या होगा? आचरण का प्रमाण जीना ही होगा, आचरण का प्रमाण है ना जीना ही होगा, और जीना परिवार के स्वरूप में ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने परिवार के स्वरूप में जी पाऊं, और ऐसा हो पाया तो ये भयमुक्त समाज, ये भयमुक्त समाज की ओर जाएगा, ये हमारे आचरण का प्रमाण होगा। ऐसा हो गया तो किससे पूछना पड़ेगा कि मैं सही हूं कि गलत हूं? ये स्वयं सिद्ध है, अब इसके बाद किससे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये नहीं होता है तो अधूरापन है ही है, और उसकी तलाश हमको पूरा करने की रहेगी। तो ये क्लैरिटी हमारी बनती है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसको सुन पाए, सुनना एक बड़ी घटना है, सुनना एक बड़ी घटना है। तो सुनने के लिए एक बड़ा काम है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो स्वयं के लिए है, आपकी पत्नी के लिए और आपके पति के लिए नहीं है। इसलिए जब आप सुन रहे होते हैं तो पत्नी से अलग बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कोनी मारते रहो, है ना, देखते रहिए, और वो देखती रहेगी कब तुम्हारे लिए आया, और फाइनली पता चला दोनों के लिए कुछ नहीं आया, क्योंकि जब आपके लिए आया आपने उधर सरका दिया, जब उसके लिए आया उसने इधर सरका दिया। तो इसका मतलब है स्वयं के लिए सुनना है, दूसरे के लिए नहीं सुनना है। कैसे इसको ध्यान बनाए रखें? दूसरा, जब आप कोई चीज सुन रहे हैं तो आपके चित्त पे पहले से दबाव है, आपका चित्त पहले से किन्हीं घटनाओं के दबाव और प्रभाव में है। जो भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं उनका क्षोभ उनका दुख हमारे साथ बना रहता है, और जब मैं कुछ कहना शुरू करता हूं तो आपको घटनाएं याद आ जाती हैं, उसने ऐसा क्यों किया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब आप सुन पाएंगे? अब सुनना नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि जो कुछ भी घटनाएं दुर्घटनाएं आपके साथ घटी हैं उसको कॉपी पे नोट करके एक बार पीछे लिख के छोड़ दीजिए। मन की ये आदत है कि उसको ठीक से समझा दिया जाए, देखो तुम्हारे साथ ये हुआ है, दुखद है, मुझको इस बात पे दुख है, लेकिन इसको बाद में हैंडल करेंगे, अभी पहले दवाई आने दो। तो आप पीछे लिख के छोड़ दोगे तो ये मन को स्वीकारने में थोड़ी मदद मिलती है, ताकि बार बार आपको परेशान ना करे, आप सुन पाए, बोर्ड के साथ साथ चल पाए, क्योंकि सुन पाएंगे तो कुछ आगे कोई बात हो पाएगी, नहीं तो हो ही नहीं पाएगी। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज के साथ में कंपैरिजन करना, आप मैं कुछ बोल रहा हूँ आप ओशो से कंपेयर करना शुरू कर दिया, आप ओशो पढ़ के आए हैं, ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं, आप दो महापुरुषों को कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कंपैरिजन करने का अधिकार किसको है? जिसको दोनों पे समान अधिकार हो वो कंपेयर करेगा तो कोई काम की बात निकाल सकता है। अभी अक्सर होता ये है कि हमारा अधिकार किसी पे भी नहीं होता है, और केवल अपने अहम की तुष्टि के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए कि मैं तो पहले से जानता हूँ, या जानता है तो तुम्हारी जिंदगी में वो रिजल्ट होता। तो सूचनाओं को सुन लेने से जानना नहीं होता है, है ना, सूत्र है, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो, है ना, समझ नहीं। इसका मतलब यदि कोई चीज मेरे समझ में है तो मेरे आचरण में होगी। उसका दूसरा सूत्र है, सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। आपके पास बहुत कुछ सुना हुआ है जो आप सुनाते रहते हैं, आपके खुद के जीने में काम नहीं आता है, दूसरों को सलाह देते रहते हैं। इसका मतलब है जो मेरे खुद के आचरण में नहीं आता है वो मेरे सुना हुआ है, मेरी मेमोरी में है, उसका मेरे लिए वो एक बोझा जैसा ही है, प्रेशर मारने के काम कभी कभी यूज कर लेता हूँ, लेकिन उससे मेरे को अभी कुछ नहीं मिल रहा है। तो समझा हुआ कुछ नहीं है, सुना हुआ बहुत कुछ है। तो कृपया करके तुलना करने का काम ना करें, इससे हम सबका नुकसान है, क्योंकि उससे मिलेगा कुछ नहीं। तो अपने लिए सुनना है, अपने चित्त को थोड़ा बाजू में रख के सुन पाए, कंपैरिजन करने का कोई मीनिंग नहीं है। चौथी बात एक और है जो हम चर्चा करेंगे,
चर्चा करने के दौरान जब भी आप कोई एग्जाम्पल देंगे तो थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल नहीं देंगे, इतिहास को बीच में नहीं लाएंगे, रामायण में ऐसा हुआ था, महाभारत में ऐसा हुआ था, सीधे सीधे अपनी बात करेंगे, अपनी जिंदगी में घटी घटनाओं की बात करेंगे, कल्पना लोक से बात नहीं करेंगे, थर्ड पर्सन से बात नहीं करेंगे, है ना। तो कल्पना लोक से भी बात नहीं करनी है, मान लो ऐसा हो जाता है जैसा अभी इन्होंने सिचुएशन बताई युद्ध में, कितनी बार ऐसा हुआ तुम्हारे साथ युद्ध में, मरने वाले थे पानी नहीं मिला, खोज खोज के लाएंगे, हाँ ये सब हो, क्या उपमा दिया, शादी में युद्ध से कम थोड़ी और लास्ट में पानी ना मिले ऐसा हो सकता है, हाँ ठीक है, फिर ठीक, मेरा थोड़ा समझने में गैप हुआ। स्वयं के साथ घटी घटनाएं, घटनी घटनाएं चर्चा में लाएंगे, थर्ड पर्सन की बात नहीं करेंगे, तो ऐसा हम करेंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे, ये डायरेक्टली एकदम डायरेक्ट जिंदगी से आमना सामना है, है ना। अपन कोई किस्से कहने की बात नहीं करेंगे, तो ना मैं कोई रेफरेंस लाऊंगा, सीधे सीधे आपके बारे में कोई कहूंगा, और सीधे सीधे आपको जांचना होगा और रिस्पॉन्ड करना होगा। चलिए तो जितनी चर्चा हमारी हो गई, ये कल ये समझ में आ गया कि दुख के साथ जीना होता है कि झेलना होता है, ठीक है। तो दुख के साथ में झेलना, तो जितनी भी नेगेटिव बात हम करते हैं उसके साथ में जीना नहीं होता है। तो जीना बेसिकली कब होता है, तो जीना बेसिकली होता है जब मेरे पास कोई प्रैक्टिसेबल समाधान होता है। तो मेरे पास जब प्रश्न होते हैं कि जब मेरे पास उत्तर होते हैं, तो बेसिकली किसी प्रैक्टिसेबल आंसर के साथ जीना होता है। और कल मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छी बात हुई और आप तक काफ़ी ठीक से पहुँची भी कि हम समस्याओं से दुखी नहीं होते हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। तो बेसिकली कोई समस्या हमको दुखी नहीं करती है, तो उत्तर मेरे पास होना, कोई प्रैक्टिसेबल आंसर मेरे पास होना, तो एक आदमी की जिंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं। जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है, एक आदमी की जिंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं उसको गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता, नहीं गिना जा सकता, हो गया काम। देखो जब गिना भी नहीं जा सकता है तो आंसर तो बहुत मुश्किल बात है, तो समाधान तो बहुत दूर की बात है, तो हमेशा प्रॉब्लम रहेगी और हमेशा दुख रहेगा ही, बीच बीच में खाकरा फाकरा, बड़ा सा खुश होने के लिए कुछ तो कभी कभी बीच में हंस लिया करें कैसे। तो चलिए, दर्शन ये कहता है कि आदमी के पास मूल में जाएंगे तो दो ही प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आदमी के पास है ही नहीं। आप असहमत होने का प्रयास करें समझने की जिम्मेदारी के साथ, तो मूल प्रश्न है क्यों जीना है और कैसे जीना है। जब मैं ये कह रहा हूं कि क्यों जीना है, तो मैं जिंदगी में पाना क्या चाहता हूं, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, और कैसे जीना है का मतलब है उसको पाने का तरीका क्या है, इतना ही पूछना चाहता हूं। तो संसार के सभी मानव के पास, जितने चले गए, जितने हैं और जितने आएंगे, सबके पास मूल प्रश्न दो ही हैं, क्यों जीना है और कैसे जीना है। इन दोनों का उत्तर मेरे पास नहीं है तो मेरे को अनंत प्रश्न जैसा दिखाई देता है। तो आप ढूंढने की कोशिश करें कि तीसरा कोई क्वेश्चन हो सकता है तो बताइए। तीसरा क्वेश्चन, हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन, आनंद बोल रहे थे आप लोग, हाँ जी तीसरा क्वेश्चन, तो जिनके साथ अभी तक जिए हैं उनके साथ जीने से कोई तृप्ति नहीं है, है ना, तो नेचुरल है
किसके साथ जीना है ये भी क्वेश्चन मन में आ ही सकता है, तो आप ही बताएंगे कि आपके क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्यों पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, कहाँ से आ रहा है, किसके लिए, फैमिली के साथ और क्या लिखा बोर्ड पे, समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है, परिवार है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, समाज है, सबके साथ जीते हैं। हाँ, वो इसका मतलब हो गया कि क्यों जीना है और कैसे जीना है, जब कैसे जीना खुलेगा तो फिर बाकी सारा कुछ है। वो सब हेड है, सब हेड है। किस किस के साथ जीना है, वो कैसे जीना का सब है। हाँ हाँ, तो कैसे जीना है खुलेगा उसमें वो बिल्ड इन है, ऐसा हो गया। तो ये क्वेश्चन कैसे जीना है का पार्ट है जी। और बोलिए द पर्पस ऑफ लाइफ, तो वही पता नहीं, नहीं वो ठीक है, अभी पता नहीं को बाद में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, तो बेसिकली इन दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं है जिसके उसकी प्रतिक्रिया में वो आंसर आ रहा है। मूल क्वेश्चन दो है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसमें तृप्ति हो गई तो उसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन नहीं है। तृप्ति नहीं हुई वहीं से सारे क्वेश्चन है। हाँ जी, बढ़िया। और बोलिए तीसरा क्वेश्चन, बिल्कुल आराम में आ गए, आप लोगों से पूछ रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी, पीछे एक माइक, पीछे माइक, कैसे जीना है, यही जीना है। नहीं सर, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है। अरे दो हो गया तो उस तीसरा कहाँ से लाओगे। जीना क्या है का मतलब है क्यों जीना आ जाए, कैसे जीना है आ जाए, यही जीना है। और बोलो, सकती है कि चलते रहना और जाते रहना है, कब अंतिम पल आ जाए क्या पता, वो अंतिम पल भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप चलते रहे हो, चाहते रहे हो, चलते रहे हो, चाहते रहे हो, मतलब नदी की तरह बह ही रहे हो लाइफ में, कहीं रुकते नहीं हो, फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हो, ठीक है, ये सब बोलने में अच्छा लगता है, वो कहाँ रहे, जिंदा रहने को जीना मान रहे हैं 99.9% लोग, उसके बाद क्या चलते रहोगे और क्या खुश रहे लोग। नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, नहीं हो पा रहा है वो तो। कविताएं जिंदगी में, कविताएं का मतलब है इतना ही है कि मैं जो चाहता हूँ उसको कविता में बोलते रहता हूँ, जिंदगी तो कविता जैसी नहीं चल रही। नहीं, इंसान चाहे तो उस स्टेज तक पहुंच तो सकता है ना। पहुंच जाए तो किसको किसको दिक्कत है। हाँ, पहुंच जाए तो अच्छी बात है। हाँ, मतलब वो क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बोलो। बस खत्म, नहीं है तो आगे चलो। हाँ जी, अब देखो जिंदगी कितनी आसान है। देखो बहन, दो ही क्वेश्चन, 80 साल, इतनी सी बात, अब बताओ क्यों इतना परेशान होने का। दो क्वेश्चन, 80 साल। अभी मैं हरियाणा में शिफ्ट कर रहा था, बोले 100 से कम कैसे लिख सकते हो आप, हरियाणा में 100 से कम मानते ही नहीं, तो बाकी जगह 100 से कम में मान लेते हैं, तो मैं 100 लिख देता हूँ, कोई नाराज हो तो। 80 साल की जिंदगी और मात्र दो क्वेश्चन, कभी अखबार में आया भूख से मर गया, ठीक, हमारी भूख इतनी सी है, दो रोटी सुबह, दो रोटी दोपहर, दो रोटी शाम, एक बार में एक पैंट शर्ट पहन सकते हैं, मेरे पास 5 है तो 5 पहन के नहीं आ सकता हूँ, है ना। यदि देखा जाए तो आदमी की कंजम्पशन करने की ताकत बहुत कम है, आदमी की प्रोड्यूस करने की, आज के पास आदमी के पास सोचने की ताकत बहुत बड़ी है, उसको प्रोड्यूस करने की ताकत बहुत बड़ी है, और आदमी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है, बाकी सब आराम में दिखाई देते हैं। तो भैंस देखिए कैसे पड़ जाती है, पानी भर मिल जाए, इसलिए बोलते हैं गई भैंस पानी में, क्योंकि अब निकलेगी नहीं वो। सब इतने आराम में हैं, हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, आदमी के अलावा पूरे विश्व, पूरे पूरे वर्ल्ड में कोई एक एंटिटी बता दो जो स्ट्रगल करता। चलिए, इन दो प्रश्नों, ये दो प्रश्न जिसके पास हैं, ये दो प्रश्न जिसके पास हैं उसका नाम विद्यार्थी है। जिसके पास ये दो प्रश्न हैं
उसका नाम विद्यार्थी है। कितने लोग जिंदगी में विद्यार्थी हैं? कोई नहीं है, यहाँ हाथ मत उठाओ। नहीं है, हमको तो एक ही चीज की तलाश है, पैसा किधर से आए, हमारी तलाश एक ही है। तो सही अर्थों में जिस दिन आदमी जिंदगी का विद्यार्थी हो जाए, वहां से उसकी जिंदगी का दरवाजा खुल जाता है। मुझको जिंदगी की तलाश ही नहीं है, मैंने तो ये मान रखा है कि पैसा आने से सब हो जाता है, इसलिए मुझको तो पैसे की तलाश है, पद की भी तलाश नहीं है, उससे भी पैसा आता हो तो ठीक है, तो घूम फिर के मुझको एक ही चीज की तलाश है, पैसा आए, और पैसे से भी कुल मिला के इंद्रिय सुख की तलाश है। तो ऐसे देखेंगे तो सही अर्थों में हम विद्यार्थी में, एक बच्चा पैदाइशी विद्यार्थी था। हर बच्चा जब पैदा होता है, जन्म से जैसी भाषा पकड़ता है, वो हर चीज को समझना चाहता है, हर चीज के बारे में पूछता है, वो विद्यार्थी था। और हमने क्या किया उसके साथ, हमने क्या किया उसके साथ, है विद्या की अर्थी निकाल दी, विद्या की अर्थी निकाल दी। देखिए मैं, हम अभी एजुकेशन की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि यदि मानव ही समझ में नहीं आया तो एजुकेशन का कंटेंट भी कैसे समझ में आए। एक सूत्र बोल रहा हूँ, उसको लिख लीजिए, फिर उस पर सोचिएगा। किसी बच्चे का परिवेश ही, किसी बच्चे के लिए उसके जीने का परिवेश ही उसके लिए अध्ययन की वस्तु है। किसी भी बच्चे के लिए उसके जीने का परिवेश ही उसके लिए अध्ययन की वस्तु है। जीने का परिवेश, परिवेश मतलब जिस वातावरण में वो जीता है, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक 2 साल के बच्चे के लिए जीने का परिवेश क्या है, एक 2 साल के बच्चे का जीने का परिवेश क्या है, है? केयर एंड फूड। तो माँ उसके जीने का परिवेश है, है ना। माँ के साथ फादर भी हो ही सकता है, लेकिन घर उसके जीने का परिवेश है, खाना उसके जीने का परिवेश है। तो बेसिकली एक बच्चे का, एक बच्चे के लिए जो उसका परिवेश है वो उसके लिए अध्ययन की वस्तु है। अब बस्तर के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो ए फॉर एप्पल, उसकी जिंदगी में कभी एप्पल वो देखेगा ही नहीं, तो एप्पल उसके लिए जीने का परिवेश हुआ। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है, जैसे जैसे उस वातावरण में ग्रो करता है, तो उस वातावरण को समझना, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझना, वहाँ की स्थानीय चीज़ों को समझना, वहाँ के पेड़ पौधों को समझना, वहाँ के नदी नालों को समझना, वहाँ के पशु पक्षी को समझना, ये उसके लिए अध्ययन की वस्तु है। मैं अमेरिका के पेड़ पौधे और पशु पक्षी उसको पढ़ा रहा हूँ, इससे उसको कोई मतलब नहीं। खैर, तो सार बात इतनी कहने की कोशिश है कि अभी हम विद्यार्थी, एक बच्चा पैदाइशी, हर बच्चा पैदाइशी विद्यार्थी होता है, और हम माँ बाप भी प्रैक्टिकल के नाम पे उसके पैदाइशी विद्यार्थी होने को ख़त्म करते हैं, और फाइनली उसको यह सिखाते हैं कि वो पूछो जो एग्ज़ाम में आता है, वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आता है, है ना, और फाइनली ज़िंदगी कहीं और निकल गई। तो विद्यार्थी परिभाषित हुआ। अब ये भी समझ में आया कि जिसके पास इसका प्रैक्टिसेबल आंसर है, जिसके पास इसका प्रैक्टिसेबल आंसर है, उनका नाम माता पिता है, उनका नाम माता पिता है, उसका नाम गुरु है। तो माता पिता और गुरु परिभाषित हो गए। तो माता पिता किसको बोलेंगे, जिनको क्यों जीना है, कैसे जीना आता है, उसे माता पिता होने का मिनिमम क्वालिफिकेशन, नहीं तो आपका लाइसेंस कैंसिल, डिस्क्वालिफाइड। सो हम लोग बायोलॉजिकल माँ बाप हैं, सही अर्थों में माँ बाप होना अविशेष है, सही अर्थों में पति पत्नी नहीं है, क्योंकि पति पत्नी होने का भी क्वालिफिकेशन इतना ही है कि हमको क्यों जीना है, कैसे जीना है, कि क्लैरिटी हो। यदि नहीं भी है तो कम से कम साथ मिलके उसकी तलाश में है, उसके लिए काम कर रहे हैं, दोनों मिलके विद्यार्थी हैं, दोनों मिलके रूम पार्टनर हैं, दोनों मिलके दो अच्छे दोस्त हैं। मेरे को लगता है कि पति पत्नी के रिश्ते की जीने की योग्यता अभी हमारी नहीं है, हम दो अच्छे मित्र हो जाएं, जो एक घर में एक कमरे में साथ साथ रहते हैं और मिलके अपनी जर्नी की तलाश करते हैं,
उसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी तो हम विद्यार्थी वाली जीवन में ज़्यादा हैं, पति पत्नी का तो अभी मामला आगे है। तो कम से कम हम पति पत्नी अभी विद्यार्थी हो जाएं और एक रूम पार्टनर की तरह साथ में रहें तो भी ज़्यादा रिश्ता बेहतर होगा जैसा अभी है उसकी तुलना में। जहाँ ये उत्तर दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है, उसका नाम घर है, इसलिए घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है और विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ निकल के आएगा यहाँ से। हाँ जी और बोलिए। मुझे अच्छा नहीं भी लगे तो भी मैं करूँ उसको, उसके लिए यानी एक एग्जांपल दे दो ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगता हो और आपके ऊपर कोई दबाव नहीं हो और आप करते हो, एक एग्जांपल दे दो। माँ बाप के लिए कुछ भी करते हैं मेरे को वो। हाँ माँ बाप के लिए कुछ करते हैं उतना अच्छा भी नहीं लगता फिर भी करते हैं। नहीं अच्छा लगता है फिर भी करते हैं। अच्छा लगता है तो करते हो, तो आपको अच्छा लगता है इसलिए करते हो। नहीं अच्छा नहीं भी लगा तो भी उनके लिए तो भी करते हो। अच्छा नहीं लगता है फिर भी करते हैं, मत करो फिर देखो क्या होता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते। हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो कैसा लगेगा, इसलिए करते हैं। एक ढूंढ के लाओ, दम लगाओ, पूरा असहमत होने के लिए पूरी सभा दम लगाए। आप जो कुछ करते हो अपने सुखी होने के लिए करते हो, आप एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं दे पाओगे जिसमें आपने खुद दुखी होकर दूसरे के लिए कुछ किया। हाँ जी माइक पीछे ये तो सिर्फ मेरी क्वेरी है, सपोज नेशनल लीडर्स से जैसे महात्मा गांधी और उनको आप इसके साथ कैसे रिलेट। हाँ बिल्कुल कहीं भी रखिए तो दुनिया में तो सब जगह काम करेगा। तो बताइए महात्मा गांधी ने जो कुछ किया क्यों किया। महात्मा गांधी ने वो सब किया और उनकी पत्नी सहमत नहीं थी, या उनके महात्मा गांधी जी ने वही किया जो उनको ठीक लगा जो उनको अच्छा लगा, उसमें कोई सहमत था नहीं सहमत था उन्होंने किया। इसलिए क्या कि समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। अपने जिंदगी से एग्जांपल लाएंगे तो आपको एक्शन भी दिखाई देता है और इंटेंशन भी दिखाई देता है, क्या किया क्यों किया दोनों दिखाई देता है तो समझ में आएगा। अपनी जिंदगी से ढूंढो। सुपर। हस्बैंड को वाइफ को खुद के खुशी के लिए नहीं है, वाइफ की खुशी के लिए। मत रहो, कौन बोला, वहीं रहो माँ के साथ। नहीं तो फिर वो कहीं और खुशी बाजू वाइफ दुखी रहेगी। और वाइफ को दुखी रहने तो क्या फर्क पड़ता है, अब माँ दुखी हो रही है नहीं तो माँ को दुखी होने दिया। ये तो एग्जांपल की, मैं भी एग्जांपल ही दे रहा हूँ थोड़ी आपके लिए बोल रहा हूँ। नहीं वैसे इसमें तो हमने ये चूज किया कि माँ को सुखी होने दो, क्योंकि माँ के दुखी होने को झेला जा सकता है, पत्नी के दुखी होने को झेलना मुश्किल है। माँ के बिना चल सकता है, पत्नी के बिना चलना थोड़ा मुश्किल है। खुद के लिए किया, इसका ये मतलब है कि मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं मेरे सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए करता हूं और मेरे दुख को मिनिमाइज करने के लिए करता हूं। तो मेरा दुख जो है पत्नी का दुखी होने से वो मेरे ऊपर ट्रांसफर होता है, तो मैं दुखी ना हूं तू अलग रहे भाई, जो बोले सो ठीक, माँ को मैं देख लूंगा पर तू शांत। सर फिर जो हमारे सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर्स हैं, हमारे सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर जो ऐसे जो बिहेवियर्स जो हमें बराबर ने किया कभी कुछ, बिल्कुल मतलब लाइफ में सभी ने किया है कुछ ना कुछ। आप सभी की छोड़ दो, अब बात तो तुमसे हो रही ना, मतलब
मतलब अगर मुझे पता है कि मैं इतना खाना खा सकती हूँ, मेरी एक रोटी की डाइट है, पर मेरे पसंद की सब्जी बनी या पसंद की चीज बनी, मैंने तीन खा ली, मैं बीमार हो गई। वो छोटा सा एग्जांपल है। बिल्कुल ठीक है। क्यों खा लिया? क्यों खा लिया? क्योंकि वो मोमेंटली हमें खुशी मिली, बट उतना ही बोल रहा हूँ। बट सर जब हम लाइफ बट की बात नहीं कर रहा, उतना ही बोल रहा हूँ, बट तो बात है। पर हमें यहाँ पर अवेयरनेस तो है ना सर कि हम सॉल्यूशन की चर्चा बाद में करेंगे, अभी तो ये देख रहे हैं कि जो हो रहा है उसका नियम देख रहे हैं। मोमेंट में खुशी मिल रही है, जिस मोमेंट में मैं वही करता हूँ जो मुझको सुखदायी होता है, उससे दुख निकलता हुआ बाद की बात। अभी मेरे को लगता है कि बाटली में सुख है तो मैं बाटली खोल लेता हूँ, बाद में भले जो होगा, पत्नी झगड़ा होगा, घर में झगड़ा होगा, बाद में देखो। मानव वर्तमान में जीता है। कल कोई मैसेज चर्चा कर रहे थे, वो प्रेजेंट में जीते हैं, है ना? तो मानव केवल वर्तमान में जीता है और वर्तमान में वो सुखी होना चाहता है, जो उसको सुखदायी लगता है और जो उसको दुख से बचने के लिए लगता है वो करता है। तो दुख से बचने के लिए और सुखी होने के लिए जो समझ में आता है वही करता है। सर जैसे एक्टिविटीज में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है हमारी लाइफ में जो हमें करनी पसंद नहीं है पर करनी पड़ रही है, जैसे जैसे मुझे पसंद नहीं है बट मुझे करना पड़ रहा है। क्या चूज करूंगा? ज्यादा सुख। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, कम दुख ज्यादा दुख, तो मैं क्या नहीं है का मतलब वो नहीं करने से ज्यादा दुखी होंगे, इसलिए कुकिंग कर देते हैं भाई, कम दुख होने वाला काम कर देते हैं। सिंपल। और बोलिए। हाँ जी, माइक थोड़ा माइक पास में। मुझे ये पूछना था, एक्चुअली कोई एग्जांपल नहीं है बट एक क्वेश्चन। मैं एक रिलेशनशिप में हूँ जो कि ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं उस रिलेशनशिप को। उस रिलेशनशिप में मतलब डबल डेट भी हुआ है, चीट भी हुआ है, और क्या वो डबल क्या हुआ है? डबल डेटिंग भी, मतलब डबल डेट क्या हुआ? उसने ऐसा किया। जबकि कोई आपकी सीट तय नहीं की गई और दूसरा भी आपकी सीट नहीं लेता है। 7 दिन हम शिविर करते हैं, अक्सर अधिकांश लोग 2-4 को छोड़ दो वो फ्री पार्टिकल होते हैं। तो ठहर जाओ, तुम्हें तो याद आ रहे नहीं तो मैक्सिमम लोग जिस कुर्सी पे बैठ गए उस कुर्सी पे बैठेंगे, नीचे बैठ गए तो नीचे बैठेंगे, जहाँ बैठ गए वहीं बैठेंगे, फिर जगह चेंज नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से हमने जहाँ सुख पाया है हम उसको जल्दी से बदलना नहीं चाहते। ये आदमी का बिल्कुल एक जो एक कंफर्टेबल जोन मिल गया, जो एक कंफर्टेबल जहाँ उसने अपना जुड़ाव बना लिया, और खासकर इस तरह की चीज़ों में वहाँ तो आदमी नहीं करना चाहेगा, लेकिन सामने वाला ऐसा शंका पैदा कर दिया है कि कुछ सोचने की ज़रूरत है, है ना? तो वहाँ एक सोचने की जरूरत है ना? इसलिए आपके पास तो आपके पास तो एक ही विकल्प है, तो नेचुरल है आप तो वहाँ ईमानदार हो अपनी जगह पे, तो आपको विड्रॉ करना नहीं चाहोगे, लेकिन सामने वाला कुछ ऐसा कर रहा है जिसमें कि सोचने की जरूरत है। तो मानव जो कुछ भी करना चाहता है अपने सुख के लिए करना चाहता है, लेकिन आपको जो कुछ कर रही हो उसमें सुख के साथ कुछ दुखी होने के भी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो मन में एक विकल्प आता है कि भाई कंटिन्यू करना है नहीं करना है, एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। सारा कन्फ्लिक्ट को देखो, लेकिन क्या है, हम सुखी होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं? फाइनली हम सुखी ही होना चाहते हैं, और उसमें कुछ कुछ दुखी होने के सिम्टम्स आ रहे हैं, इसलिए हम बोलो बोलो बात ये है कि मतलब वो एक ट्रस्ट इश्यूज पे बात आ जाती है। अब मतलब वो कितना ही उस चीज को ट्राई करे कि मैं इसका माइंडसेट चेंज करूं कि मैं ऐसा नहीं हूं, अब मेरे अंदर चेंजेस आ गए हैं, बट वो चीज मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो
ठीक है, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। अभी अपन सॉल्यूशन पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो केवल इतनी ही चर्चा कर रहे हैं कि हाँ, मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, और जब भी उसका सुख कहीं उसमें टूटता हुआ दिखाई देता है तो वो दोबारा रीथिंक करने की जगह में आ ही जाता है, जो हम आ ही गए। ठीक है, धीरे से और देखते हैं कैसे क्या करें। हाँ जी, अभी आगे चलते हैं। माइक, जैसे लास्ट 9 ईयर्स जॉब किया मैंने, 9 ईयर्स जॉब किया, कोरोना में गुड़िया, मतलब गुड़िया होने के बाद कोरोना हुआ था, उसके वजह से 19 साल से जॉब छोड़ा। आई एम कंफ्यूज कि जॉब कंटिन्यू करना चाहिए, बच्चों को छोड़ के खुद की, मतलब खुद की तरफ जाना चाहिए, खुद के सुख की तरफ जाना चाहिए, कि बच्चों का अपब्रिंगिंग के लिए मेरे को काम करना चाहिए। वही तो आदमी में कंपैरिजन क्रिया है, कंपैरिजन होता है। जॉब करने में सुख ज़्यादा है कि बच्चे पालने में सुख ज़्यादा है? जिसमें ज़्यादा सुख दिखाई देगा वो कर लो। अभी तो इतनी ही चर्चा कर रहे हैं कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश। मैं जॉब में जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, अगर मैं बच्चों के पीछे जाऊँगी तो पिछले 19 साल से जैसे मैं इनके साथ हूँ घर पे, इनकी अपब्रिंगिंग के लिए, तो मैंने वो तो ऑप्शन दिया है। इसका इतना ही मतलब है कि जिंदगी की समझ नहीं है, तो केवल जिंदा रहने में जो सुख है वो हमको पता है, जीने का जो सुख है वो हमको पता नहीं है। जीने का जब सुख पता नहीं है तो उसकी जिम्मेदारियां हमको बोझिल लगती हैं। यदि हमको जीने के सुख का पता चल जाए तो हम ठीक निर्णय ले पाएंगे, जो कि आगे जाके भी हमको हमेशा ठीक ही लगेगा। अभी हो सकता है किसी प्रभाव में हम कोई निर्णय ले लें, लेकिन हो सकता है 5 साल बाद हमको लगेगा कि मेरा निर्णय ठीक नहीं था। इसका मतलब है कि समझने का काम पहले करते हैं, समझने के बाद निर्णय आपको ही लेना है, आप ही निर्णय लेंगे तो ही निर्णय ठीक होगा। तो अभी की क्या स्थिति है? अभी हम सबके पास जितने ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, सारे प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं, तो कभी हमको लगता है कि करियर को लेके मेरे को फैमिली में आगे नहीं बढ़ना है, कभी लगता है कि मेरा फैमिली के लिए नहीं जाना है क्योंकि वो फिगर के भी प्रॉब्लम है। तो तमाम तरह के प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं। क्यों सामने आ रहे हैं? क्योंकि मेरी पहचान का आधार रूप बल धनपद है, मेरा सुख इंद्रियों में है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तो कुल मिला के हमको ये संसार तो दिखने लगा है, लेकिन ये जो जीने का संसार था कि वो करने के बाद है ना, कितना भी अच्छा सुख हो उसके बाद कैसा लगता है, वो जो कंटिन्यूटी है मेरे थॉट प्रोसेस में, मेरे भाव और विचार का जो सुखदायी होना है, जो उसकी निरंतरता है, कुछ भी कर लो उसमें वो नहीं मिलता है। और इधर ये निरंतर हो सकता है यदि जीने वाले सुख की निरंतरता समझ में आएगी, जीने वाली दुनिया का सुख हमारे सामने खुलेगा, तो हम एक सही निर्णय ले सकते हैं। तो जीने के लिए जिंदा रहना है कि जिंदा रहने के लिए जीना? जीने के लिए जिंदा रहना होता है, तो जीने की क्लैरिटी नहीं है इसलिए जिंदा रहना हावी हो जाता है। माइक, हाँ जी, सभी साथ साथ चल पा रहे हैं? हाँ जी जी सर, एक क्वेश्चन था कि क्या हमारी सुख की जो डेफिनेशन है वो सोशली डिजाइन है या फिर वो हम खुद बनाते हैं? जैसे कि अभी मैम ने जो क्वेश्चन पूछा कि मेरा करियर भी मैंने छोड़ दिया पोस्ट बर्थ ऑफ माई चाइल्ड, तो ऐसे केस में हमारी सोसाइटी तो हमें यही बता रही है कि नहीं, अभी बच्चा है, छोटा है, तो हमें उसका ध्यान रखना है, साइड में रख दो अभी के लिए करें, सोसाइटी ने हमें ये बोला। तो क्या हमारा आइडिया ऑफ सुख वो सोशली डराइव्ड है या फिर वो हम खुद डराइव कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अब ये समझ में आया कि आइडिया ऑफ सुख ना मेरे द्वारा डिजाइंड है ना समाज के द्वारा डिजाइंड है। देखिए कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। तो आइडिया ऑफ सुख एग्जिस्टेंशियल है, आपका तो मन आज ऐसा है कल वैसा हो जाएगा, तो अपना तो कोई भरोसा नहीं, तो सुख बदलता रहेगा। तो आइडिया ऑफ हैप्पीनेस इज समथिंग एग्जिस्टेंशियल, समथिंग नेचुरल, समथिंग यूनिवर्सल, समथिंग पेरिनियल। उससे कम में कोई सुनने को भी, उससे कम में कोई एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं होगा। आज मेरे को सुख ये लगता है, कल मेरे को सुख कुछ और लगेगा, समाज आज ये कहता है कल कुछ और कहेगा, तो मैं तो कहीं का नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार।
बहुत सुखद, गुड। अच्छा सो इतना ही चेंज आया ना कि हमको समाज और पिता की बात को उसके अगेंस्ट जाने का परमिशन ही नहीं था, उसमें उतना स्पेस ही नहीं था। अभी ये सारे निष्कर्षों को देख के यहाँ आ गए, यार तुम्हारे निष्कर्ष तो ठीक नहीं लग रहे, अब क्या करेंगे? जो मुझको ठीक लग रहा है फिर मैं वो करूँगा, और ठीक मुझको भी पता नहीं है, तो मनमानी करके भी हम सुखी नहीं हुए और समाज की मान के भी हम सुखी नहीं हुए। तो अल्टीमेटली आइडिया ऑफ हैप्पीनेस जब तक एग्जिस्टेंशियल नहीं होगा तब तक वो टिकाऊ नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया। इसलिए ये जब हम कह रहे हैं यहाँ पे कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, तो ये मैं डिजाइन कर रहा हूँ कि नागराज जी ने डिजाइन किया है कि समाज ने डिजाइन किया है? वो भाई नेचर है, वो नेचर में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप असहमत होने का प्रयास कीजिए, नेचर में है तो टिकेगा। हाँ ऐसा है ही नेचर में, इसको पहचाना गया कि हाँ नेचर में ऐसा है, तो नियम नेचर में है ही। तो मानव के बारे में नियम यही है कि वो जो कुछ भी करेगा सुख की तलाश में करेगा, प्यार करे तो हत्या करे तो। हाँ जी कहाँ पहुंचे, पहुंच गए? तो क्या समझ में आया, क्या समझ में आया इस पूरी चर्चा से, क्या समझ में आया, इसका निष्कर्ष क्या निकला? यदि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष क्या निकला? सुखी होना है, सुखी होना है। अरे इसका निष्कर्ष ये भी निकला कि मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने समाज के लिए इतना किया, मैंने देश के लिए उतना किया, और सब एहसान फरामोश हैं, किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। तो पहली बार पता चला कि मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, मैंने जो किया उस समय जैसी मेरी समझ थी मैंने खुद के लिए किया, दबाव में किया तो, प्रभाव में किया तो, जैसी मेरी समझ थी जैसी मेरी मान्यता थी उसके हिसाब से मैंने जो कुछ किया मेरी खुशी के लिए किया। मैं वैसा ना करता तो और ज़्यादा दुखी होता, तो ज़्यादा दुखी ना होने के लिए और सुखी होने के लिए मैंने कोई डिज़ाइन बनाया। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यदि ये कंक्लूजन अपने अंदर आता है तो अपने को कैसा, इसका क्या फ़ायदा होता है? अपने अंदर कुछ इसका आराम मिलेगा नहीं? क्या आराम मिलेगा? माइक उसका सुखी होना है, वो सही मायने में प्राकृतिक हो जाए तो सभी समस्याओं का हल हो सकता है, क्योंकि सुखी तो होना ही चाहता है। मगर उसका सुख पाने का जो तरीका है हाँ। वो ऐसा है वो दूसरों को दुखी कर देता है। ठीक है, आप थोड़ा आगे की बात कर रहे हैं कि फाइनली इतना ही समझ में आया कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है और सभी ऐसे ही करते हैं और इसके बिना काम नहीं चलेगा, और हमको इतना ही समझना है कि सुख क्या है, और नेचर में वो तरीका हमको समझ में आ गया तो जिंदगी आराम में, गाड़ी चलाना नहीं आता था और एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चलाना आएगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अपने लिए अपने सुख के लिए कर रही हूं तो दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। तो मेन एक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेरे को लगता है कि मैंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया और उन्हें वापस मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक बार ये आराम में आने से कि मैंने जो कुछ किया है मेरी स्वेच्छा से किया है, मेरी मनस्थिति में, मेरी पोजीशन में, एक बीवी की पोजीशन में, पत्नी की पोजीशन में, पा सकती थी उसके लिए किया है, जो मेरी मनस्थिति थी उसके लिए उसमें किया है। तो किसी पे जो एहसान लादने वाली बात है, किसी के लिए जो बहुत है ना, मैंने बहुत दूसरों के लिए कुछ किया है, कहीं अपने अहंकार का पोषण भी होता है। जब मैंने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है तो उनसे अपेक्षा भी जगती है कि वो भी मेरे लिए कुछ किए और वापस वो ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा मन टूटता है। यदि कनेक्शन ही काट दिया कि मैंने जो किया उस समय मेरी समझ में जो ठीक था मैंने किया, मेरे सुखी होने के लिए किया, दूसरे के लिए नहीं किया, बच्चे के लिए नहीं किया, फैमिली के लिए नहीं किया। तो पर एक क्लैरिफिकेशन खाली चाहिए था कि जो गुप्त दान करते हैं
साइलेंट डोनेशंस बड़ा बड़ा वो शायद दूसरों को सुखी करने के लिए करते हैं या खुशी खुद के खुशी के लिए करते हैं। खुद की तो है ही है पर वो की तो है नाम पद रूप पर उसके लिए वो नहीं नाम पद के लिए नाम आने से झंझट गले पड़ता है इसलिए भी नाम सामने लाना नहीं चाहते हैं या फिर उसको थोड़ा सूक्ष्म आदमी है तो अपने अहंकार का पोषण अनावश्यक नहीं हो उसके लिए भी करते हैं तो उसके पीछे क्या दृष्टिकोण है इसको वही जानेगा लेकिन उसमें कई दृष्टिकोण हो सकते हैं पर उसका सुख उसमें शामिल तो है उसका तो है ही है वो तो रहेगा ही रहेगा उसमें तो कोई बात ही नहीं तो दूसरे के लिए बाद में किया उसके लिए कुछ करना मेरा सौभाग्य है कि मेरे को ऐसे लोग मिले जिनके लिए मैं जिनको मैं कुछ दे सका और दे के मैं सुखी हो सका अभी ऐसे सुपात्र ही नहीं मिलते आप पैसा धर के बैठे रहो ऐसे तमाम लोग पैसा धर के बैठे हैं कहाँ दे दें कि कुछ अच्छा हो जाए उस अच्छा होता हुआ देख के हमको सुकून आ जाए वो हाथ नहीं मिलते हाँ जी देख बढ़िया कैसा लग रहा है।